अमित त्यागी शुभ 24 रफ्तार मीडिया के लिए जो सैटेलाइट चैनल पे है। आज हम बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में हैं और हमारे साथ जो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष भगवान जी साथ में हैं। पर सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। आपका भी रफ्तार चैनल के सभी साथियों का मैं यहाँ बीएसपी ऑफिस में स्वागत करता हूँ। आपका भी धन्यवाद। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि राजस्थान का जो चुनाव है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, पर एक ऐसी पार्टी जिसका कहीं नाम भी नहीं है और हर जगह उसका नाम है वो है बहुजन समाज पार्टी। पिछली बार भी और पिछले से पिछली बार भी पार्टियों को चुनाव लड़ाने में और जिताने में बहुत बड़ा योगदान बसपा का रहा है और पिछली बार भी लोगबागों ने सोचा कि चुनाव के दौरान बसपा का कहीं नाम नहीं होगा, लेकिन जब कैंडिडेट जीतते गए तो वो कैंडिडेट छह तक चले गए और इस बार उम्मीद है। और रफ्तार टीवी ये अपने एनालाइज में अभी बात कर भी रहा था कि 10 से ऊपर की सीट होगी। अब वो कितनी होंगी वो भगवान जी बात करेंगे। सबसे पहले डिक्लेरेशन करने अभी भाजपा और कांग्रेस दोनों कहीं ना कहीं डर रही हैं अपने अपने कैंडिडेट को रिवाइज करने में या करने में, लेकिन भगवान जी का बार 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 सर्कुलेशन आता जा रहा है। तो सर ये आपको डर नहीं लग रहा? सबसे पहले आप अपने आप को कैंडिडेट जो है वो लगातार हम 3-4 दिन से देखे जा रहे हैं कि लगातार लगातार आपके कैंडिडेट आते जा रहे हैं। देखिए पहली बात तो जो आपने कही ना कि बहुजन समाज पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही और सब जगह है लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर कोई पार्टी है राजस्थान में तो वह बहुजन समाज पार्टी। बिल्कुल। और ये इससे साबित होता है कि हर चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करती है। पिछली बार 6 सीट आई थी। 2008 में हमारे 6 विधायक जीत कर आए जी। और लगभग 14 उम्मीदवार हमारे दूसरे स्थान पर रहे जी। जी 8% वोट हमें मिला, कुल मिलाकर लगभग 20 लाख वोट हमें राजस्थान में मिला। बिल्कुल। उस समय हालात ये बने किसी भी दल को यह बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस ने 95 सीटें जीती और बीजेपी 80 पे पहुंच पाई। 6 सीटें हम लोग जीते और 14 सीटें मिनिमम मार्जिन से हम लोग चुनाव हार गए। कहीं 800 से, कहीं 700 से, कहीं 2100 से, कहीं 1600 से। तो हालात राजस्थान में ये थे कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला और बहुजन समाज पार्टी के हाथ में सत्ता की चाबी थी जी। लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बिना किसी शर्त के कांग्रेस को समर्थन दिया। बहन जी चाहती थी कि सेकुलर ताकतें मजबूत हों और कांग्रेस को समर्थन दिया, लेकिन 2008 में कांग्रेस ने हमारी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। हमारे 6 विधायकों को उसने तोड़ा, खरीदा, पैसे दिए, मंत्री बनाया, संसदीय सचिव बनाया। तो चाहे 2008 हो या 2013 हो या 2018 हो, हर चुनाव में हम लोगों ने बेहतर किया है। अभी 2018 में भी आप लोगों ने देखा होगा हमारे 6 विधायक जीत कर आए और किसी भी पार्टी को फिर बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस भी 99 तक पहुंच पाई और बीजेपी भी 73 पर सिमट गई। और अब की बार हम लोगों का ये लक्ष्य है कि जो हर बार हमारे कम विधायक जीत कर आते हैं और कांग्रेस उनको तोड़ने का काम करती है, तो अब की बार हम लोगों ने ये टारगेट फिक्स किया है कि हमारे इतने विधायक राजस्थान में जीत कर आए कि किसी भी दल को यह बहुमत नहीं मिले और फिर उत्तर प्रदेश की तरह राजस्थान में भी बहुजन समाज पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिले। इस लक्ष्य को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे भगवान बाबा ने बताया कि बड़ा ही साइलेंट तरीके से इनके वोटर्स इनके साथ हमेशा जॉइंटली बने रहे हैं। हम अगर बार बार एक परिदृश्य में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि पहले बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर आरएलपी, लेकिन आरएलपी से भी ज़्यादा थर्ड नंबर पे हमेशा आने वाली पार्टी बसपा रही है और बसपा की मार्केटिंग भी बहुत अलग तरह की रही है। इंटरनली इनके वोटर बसपा के प्रति वफादार हैं और हमेशा बसपा ने 6 सीटें जीतती आई हैं और योगदान हमेशा राजस्थान की विधानसभा में बना रहा है। इस बार बसपा बहुत ही सिक्योर तरीके से, बहुत ही मतलब मजबूत तरीके से उतर रही है, अपने कैंडिडेट को भी बार बार रिफाइन कर रही है। सर कुछ कैंडिडेट को आपने 2 से 3 बार चेंजेस किया, जैसे बांदीकुई का, तो क्या कारण रहा? नहीं, अभी तक जितने भी कैंडिडेट हमने फाइनल किए हैं उसमें से केवल एक कैंडिडेट को बदला है जी। कई बार ये दूसरे दलों के समीकरण भी देखने पड़ते हैं, इसलिए हमने जो है एक कैंडिडेट को रिवाइव किया। और तो पार्टियों का सिस्टम है जी, जी। आपने देखा होगा भी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के जो टिकट फाइनल हुए हैं, कहीं बीजेपी के कार्यालय जलाए जा रहे हैं, कहीं
कैंडिडेटों के घर का घेराव किया जा रहा है, कई नेताओं का घेराव किया जा रहा है। कांग्रेस में भी यही स्थिति है, बसपा में मेरे ख्याल से ऐसी स्थिति नहीं है। बिल्कुल। एक सीट हाँ हमने उचित समझा कि भाई इस कैंडिडेट को बदले, लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं यही बेहतर रहेगा और फिर हमने एक सीट पर उसी को रिवाइव कर दिया। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कितनी सीट्स पे चुनाव लड़ने की उम्मीद है? देखिए बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में पूरी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है जी, और हमने फाइनल करना भी शुरू कर दिया। अभी भी हमारे कुछ कैंडिडेट फाइनल हैं। आज शाम को हमारे जो यहाँ राजस्थान के मुख्य प्रभारी हैं माननीय सांसद रामजी गौतम जी, वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। हमारी अभी कोर कमेटी की बैठक होगी और शायद कुछ उम्मीदवार हम कल यहाँ परसों में घोषित कर दें। अब भी हमारा जो लक्ष्य है कि हम लोग राजस्थान में बैलेंस ऑफ पावर बने, इसके लिए हम अच्छे कैंडिडेट को चूज कर रहे हैं। और ख़ासकर जो जहाँ बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव है जी, उस इलाके पर विशेष हमने ध्यान दिया है, जिसमें धौलपुर है, करौली है, भरतपुर है, सवाई माधोपुर है, दौसा है या अलवर है। उसके बाद शेखावाटी में सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है, हनुमानगढ़, गंगानगर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, जहाँ बहुजन समाज पार्टी पिछले चुनावों में अच्छा करती रही है, बेहतर करती रही है, उन जिलों को हमने सेलेक्ट किया है। कुल मिलाकर हम लोगों ने राजस्थान में अब की बार 60 सीटों को विशेष रूप से चिन्हित किया है। उन 60 सीटों पर लगातार हम लोग मेहनत करें। हमारे तमाम पदाधिकारी, चाहे प्रदेश के प्रभारी हैं, प्रदेश के महासचिव हैं, उपाध्यक्ष हैं, हम स्वयं जिले के प्रभारी, सब लोग हम जिम्मेदारी के साथ उन सीटों पर बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, विधानसभा कमेटी, इन सारी कमेटियों को रिवाइव किया हम लोगों ने। और हम लोगों ने यहाँ राजस्थान में बसपा चली गांव की ओर अभियान भी लगभग 6 महीने चलाया, गांव गांव ढाणी ढाणी पहुंचकर बहुजन समाज पार्टी की रीति और नीति से लोगों को अवगत कराने का काम किया। और विशेषकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो अपने 4 बार के शासनकाल में, चाहे वो 1995 का काल कार्यकाल हो, चाहे 1997 का हो, 2002 या 2007 में जो 4 बार की सरकार बहन जी के नेतृत्व में यूपी में बनी और सर्व समाज के कल्याण के लिए काम जिस प्रकार से यूपी में बहन जी ने किया, ये हमने लोगों को समझाने का प्रयास किया। और विशेष रूप से अभी आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने 15 अगस्त से 29 अगस्त तक सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा राजस्थान के लगभग वर्तमान में जो 50 जिले हैं उनमें 33 जिलों में हमारी यात्रा उनमें गई। हम लोगों ने वहाँ बड़ी बड़ी जनसभाएं की, नुक्कड़ सभाएं की और यात्रा का बड़ी गर्मजोशी के साथ आम जन ने स्वागत किया। तो हमें पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने रणनीति अपनाई और विशेष रूप से हमारे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय आकाश आनंद जी, उन्होंने भी राजस्थान को काफ़ी समय दिया है, तो इस तैयारी के साथ हम लोग लगे हुए हैं। हमारे जो स्टेट लेवल के प्रभारी बहन जी ने बनाए हुए हैं, चाहे वो सुरेश आर्य हों, चाहे प्रेम बारूपाल, तमाम हमारे जिम्मेदार पदाधिकारियों ने बड़ी मेहनत की है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाली 2023 में बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में एक मिसाल कायम करेगी, अच्छा रिजल्ट लाएगी, बैलेंस ऑफ पावर बनेंगे, सत्ता की चाबी हमारे हाथ में होगी और फिर हम अपनी सरकार बनाएंगे। आपके नेतृत्व में पहले भी राजस्थान के चुनाव लड़े गए हैं और इस बार जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो कहीं ना कहीं त्रिशंकु हो सकता है और कहीं ना कहीं तीसरी पार्टीज या निर्दलीय की जो भूमिका है वो बड़ी महत्वपूर्ण रहेंगी। तो आपको क्या लगता है कि बसपा इस लायक बनेगी कि वो चुनाव में हिस्सेदारी बनेगी उसकी? देखिए पहले राजस्थान में एक सिस्टम चला आ रहा है, पिछले 30 साल से मैंने देखा है, कांग्रेस, कांग्रेस के बाद भाजपा, भाजपा के बाद कांग्रेस और फिर कांग्रेस के बाद भाजपा जी। लेकिन अब की बार हमें लग रहा है, हम देख रहे हैं कि जनता दोनों ही पार्टियों के सिस्टम को समझ चुकी है। दोनों के बारे में जो धारणा लोगों की बनी है कि 5 साल हम लूटेंगे, 5 साल तुम लूटो, जब तुम राज करोगे हम शोर नहीं मचाएंगे और जब हम राज में आएंगे तुम शोर मत मचाना, तो इस सिस्टम को जनता समझ चुकी है और जनता पूरी तरह परिवर्तन के मूड में है। और परिवर्तन वो नहीं जैसा कि बीजेपी कह रही है कि परिवर्तन लाएंगे, वो परिवर्तन नहीं, सही मायने में कांग्रेस और बीजेपी को हटाने का और परिवर्तन लाने का जनता ने मन बना लिया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से दोनों ही पार्टियों में कलह है, चाहे वो कांग्रेस है या बीजेपी है, उन दोनों ही पार्टियों में भारी कलह है, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों के ही नेता आपस में लड़ रहे हैं। तो अब की बार हमें पूरा भरोसा है कि राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी इतने विधायक जिता कर लाएगी कि किसी की दल को, किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलेगा और फिर बीएसपी के हाथ में सत्ता की चाबी होगी।
बीएसपी कार्यालय में भगवान बाबा ने बहुत ही निर्धन होकर अपनी बातें रखी और ये कहा कि बसपा इस बार जो है वो राजस्थान विधानसभा की चाबी कहीं ना कहीं बसपा के द्वार से जरूर खुलेगी, और बहुत ही बेबाकी से और बहुत ही स्पष्टता से मुझे पहली बार ये एहसास हो रहा है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जो किसी भी तरह की राजनीतिक यूज़ नहीं कर रहा है और सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा है। और राजस्थान की जनता बसपा को हल्का ना ले, क्योंकि पहले 3 विधानसभा भी बसपा के द्वारा ही जीती गई है, लेकिन इस बार बसपा अपने आप में बहुत ही संगठित, बहुत ही विचार करके और बहुत ही स्पष्ट तरीके नीति से जा रही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय देने के लिए, इतनी कीमती समय में आपको अपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी टीम का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा, आभार करूंगा कि आप लोग यहाँ चल कर आए। शुक्रिया।